नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। देश और दुनिया भर में इस वक्त अगर किसी महामारी ने आतंक मचाया हुआ है तो वो कोरोना है। अगर हम अकेले भारत की बात करें तो समझ लीजिए दो दो वैक्सीन हमारे पास मौजूद हैं। इतने बड़े लेवल पर टीकाकरण हो रहा है, लेकिन फिर भी एक एक दिन में कई कई हजार मामले सामने आ रहे हैं और अकेले महाराष्ट्र ने तो हद कर दी है। महाराष्ट्र में एक एक दिन में 40-40 हजार मामले सामने आ रहे हैं, जो हर किसी को परेशान कर रही हैं, हैरान कर रही हैं और जाहिर तौर पर उनकी चिंता भी बढ़ा रही है। 3-4 दिन पहले के आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो 40,414 समथिंग इस तरह के मामले सामने आए थे। और अब एक बार फिर अगर हम बीते 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो कुछ ऐसी ही स्थिति एक बार फिर से नजर आ रही है। लगभग 39,544 नए मामले कोरोना से जूझ रहे लोगों के सामने आए हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि आप और हम किस कदर गंभीर हैं इस महामारी को लेकर। महाराष्ट्र सरकार अब विकल्प तलाश रही है। आधे से ज्यादा शहर ऐसे हैं जिनमें संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, कई जगह पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, लेकिन अब भी अगर लोग बाज नहीं आते हैं तो फिर उद्धव सरकार लॉकडाउन को भी एज अ विकल्प, एज एन ऑप्शन देख रही है। उद्धव सरकार अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रही है, लगातार मंत्रियों के साथ चर्चा हो रही है, विचार विमर्श हो रहा है और इसको लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है कि न्यूनतम नुकसान हो, इस तरह का कुछ उपाय निकाला जाए। यकीन मानिए, अगर इसी तरीके के हालात रहे तो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में लॉकडाउन भी लग सकता है, क्योंकि खुद स्वास्थ्य मंत्री भी कह चुके हैं कि ठीक है, ये विकल्प एक हो सकता है और इसके अलावा उद्धव सरकार खुद भी इस तरफ आगे बढ़ रही है। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि राज्य में अब तक 28,12,980 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, 54,649 लोगों की मौत हुई है, 24,727 लोग इससे उबर चुके हैं, यानी कि ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है और आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमतों को कम करने का फैसला किया है ताकि लोग टेस्टिंग करा सके। हालांकि ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि अगर टेस्टिंग बढ़ेगी तो ऐसे में मामले भी बढ़ने की उम्मीद ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेस्ट ही नहीं कराते हैं और वो हो सकता है कोरोना पॉजिटिव हो, लेकिन अगर टेस्ट कराएंगे तो आंकड़े सामने आ जाएंगे, तो एक चीज ये भी है। बहरहाल उद्धव सरकार ने फिलहाल चेतावनी दी है लोगों को कि भाई अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर राज्य में लॉकडाउन लगाया जा सकता है, ये एक विकल्प सरकार के पास खुला है। आप इस पूरी खबर को किस तरह से देखते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं।